हेलो दोस्तों, मैं हूं कार्तिक। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंडियन रेल इन्फो में। आज हम इस वीडियो में कालका मेल या नेताजी सुभाष चंद्र बोस सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में बात करेंगे। कालका मेल भारत की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक है, जो कोलकाता में हावड़ा से चलकर कालका तक जाती है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। कालका से शिमला के लिए अलग ट्रेन चलती है, जिसे टॉय ट्रेन के नाम से जाना जाता है। कालका मेल एक सुपर फास्ट ट्रेन है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 115 किलोमीटर पर आर है और मिनिमम स्पीड 53 किलोमीटर पर आर है। इस ट्रेन में उत्कृष्ट कोचेस का यूज होता है। ये ट्रेन टोटल 1713 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ये ट्रेन डेली बेसिस पर चलती है। दोस्तों, ये ट्रेन 7 स्टेट्स को कवर करती है: वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा। इस ट्रेन के फर्स्ट सर्विस 1866 में ईस्ट इंडियन रेलवे मेल के नाम से की थी, जिसे अभी ईस्टर्न रेलवे ऑपरेट करती है। ये ट्रेन मुख्य रूप से ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला ले जाने के लिए चलाई थी। ये ट्रेन वन अप और टू डाउन नेम से शुरू किया था, तब हावड़ा कालका मेल को कोलकाता से दिल्ली तक चलाया था। शिमला में गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए ब्रिटिशर्स ने 1891 में रेलवे लाइन का विस्तार कर उसे कालका तक बढ़ाया। शुक्रवार 1 जनवरी 2016 को हावड़ा में कालका मेल के गौरवमयी 150 वर्ष पूरे होने के जश्न मनाया था। बात करें इसके कोच के, तो इसमें 24 कोच होते हैं, जिसमें 11 स्लीपर, 2 SLR, 2 जनरल, 1 फर्स्ट AC, 3 AC 2 टायर, 3 AC 3 टायर, 1 सेकंड सीटिंग और 1 RMS कोच के साथ एक पेंट्री की भी सुविधा दी है, जिसमें मॉडर्न 6350 हॉर्स पावर का हावड़ा शेड बेस्ड वेब 7 का यूज किया जाता है। हावड़ा से कालका के बीच में इस ट्रेन को 37 स्टॉप्स है। इस ट्रेन को हावड़ा से कालका तक का डिस्टेंस कवर करने के लिए 31 घंटे लगते हैं। दोस्तों, इस ट्रेन में बैठने वाले यात्रियों को रेलवे का डिस्टेंस रिस्ट्रिक्शन का पालन करना पड़ता है, जिसमें AC क्लास के लिए 160 किलोमीटर और स्लीपर या जनरल के लिए 480 किलोमीटर के अंदर बैठने की अनुमति नहीं होती है। यह ट्रेन रात को 9:56 पे हावड़ा से चलती है और उसके बाद वर्धमान, दुर्गापुर होते हुए आसनसोल पहुँचती है, फिर धनबाद, गुमोह होते हुए 5:05 पर गया जंक्शन पहुंचती है, फिर मुगल सराय, अलाहाबाद, कानपुर होते हुए शाम को 6:05 पे अलीगढ़ जंक्शन पहुंचती है। वहां से ओल्ड दिल्ली, चंडीगढ़ होते हुए अगले दिन सुबह 3 कालका पहुंचती है, जहां ये अपनी 1713 किलोमीटर की दूरी पूरी करती है। इस तरह आज आपने सबसे पुरानी ट्रेन कालका मेल के बारे में जाना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।